नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज आप सबका स्वागत करता हूं। आज है 21 अगस्त 2019 और अब तक का जो करंट अफेयर रहेगा वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा। हम करंट अफेयर की वीडियो 1, 7, 14, 21 और 28 तारीख को डालते हैं। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर भी कर सकते हैं। चलो तो पहला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर है, पहला क्वेश्चन है कि अजय कुमार सूद की जगह भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी ने किसे अपनी पहली महिला अध्यक्ष चुना है। तो हमारा आंसर रहेगा चंद्रिका साह को चुना गया है अजय कुमार सूद की जगह पर। वे वर्ष 2020 से अपना कार्यभार ग्रहण करेगी। चंद्रिका साह का जन्म वर्ष 1952 को हुआ था और उन्हें वर्ष 2020 से 2022 तक के लिए भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी का अध्यक्ष चुन लिया गया है। तो एक बात और आती है, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की बात आती है तो इसको कहा जाता है इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी। तो हमें पता होना चाहिए कि इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी की स्थापना कब हुई, तो गठन कब हुआ। तो इसका अगर स्थापना हुई 7 जनवरी 1935 में कोलकाता के अंदर, और उसके बाद 1946 तक इसने अपना मुख्यालय एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में कार्य किया। अब इसके बाद 1951 में इसका स्थानांतरण किया गया मुख्यालय का, और कहाँ पर किया गया, दिल्ली में। मतलब एट प्रेजेंट इसका मुख्यालय कहाँ पर है, दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने हाल ही में वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 की शुरुआत की है, यह कौन सा संस्करण है। तो यह संस्करण है 5वां, हमारा आंसर रहेगा 5वां संस्करण है। और साथ ही स्वच्छ नगर ऐप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त MSBM ऐप की भी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेल संस्कृति तथा पारंपरिक दबाव के क्षेत्र में हाल ही में भारत और किस देश के बीच 4 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो हमारा आंसर रहेगा चीन, और भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हस्ताक्षर किए हैं। अपनी 3 दिनों की यात्रा पर चीन गए हैं और साथ ही दोनों देशों के मंत्री राष्ट्रीय खेल एसोसिएशनों, खिलाड़ियों और देश के युवाओं के बीच आदान प्रदान बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। तो हमारा आंसर था चीन। तो चीन के बारे में जान लेते हैं, चीन की राजधानी है बीजिंग और चीन का सबसे बड़ा शहर है शंघाई। और चीन की बात की जाए तो चीन के एट प्रेजेंट राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, और प्रधानमंत्री की यदि बात की जाए तो प्रधानमंत्री है ली क्विंग, और चीन की मुद्रा है रेमिनी पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका की पहली हिंदू सांसद तुलसी गबार्ड ने किस देश में सैन्य अभ्यास में शामिल होने का फैसला किया है। तो हमारा आंसर रहेगा इंडोनेशिया, और ये 2013 से अमेरिका की हवाई की सांसद है। हवाई नेशनल गार्ड की सदस्य तुलसी गबार्ड ने ये कहा है कि मुझे अपने देश से प्यार है और मुझे एक सैनिक के तौर पर और कई तरीकों से अपने देश की सेवा करना पसंद है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये मूल रूप से हिंदू है और अमरीका की पहली हिंदू सांसद भी है। तो हमारा आंसर था इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के बारे में जान लेते हैं, इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता और यहाँ के एट प्रेजेंट राष्ट्रपति है जोको विडोडो, और यहाँ की मुद्रा है इंडोनेशियन रुपया। और अमेरिका की बात हुई है क्योंकि अमेरिका की पहली हिंदू सांसद है, तो अमेरिका के बारे में जान लेते हैं, अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन DC और यहाँ के एट प्रेजेंट राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप और यहाँ की मुद्रा है डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए 24 घंटे फंड ट्रांसफ़र की सुविधा दिसंबर 2019 से शुरू करने का फैसला किया है। तो हमारा आंसर रहेगा भारतीय रिजर्व बैंक ने। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र के तहत 24 घंटे फंड ट्रांसफ़र की सुविधा दिसंबर 2019 से शुरू करने का फैसला किया है। NEFT के सुविधा अभी सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस हाई कोर्ट ने कुछ संशोधनों के साथ 15 अगस्त को फिल्म बाटला हाउस को रिलीज करने को मंजूरी दे दी है। तो हमारा आंसर रहेगा दिल्ली हाई कोर्ट ने 15 अगस्त को फिल्म बाटला हाउस को रिलीज करने को मंजूरी दे दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि फिल्म के निर्माताओं को अपने बयान का पालन करना होगा और याचिका का निपटारा करना होगा। तो ये क्या है बाटला हाउस फिल्म, जो है ये बाटला हाउस 19 सितंबर 2008 को बाटला हाउस में हुए एनकाउंटर पर आधारित ये फिल्म है। तो हमें पता होना चाहिए कि इसके निर्देशक कौन है,
इनके कौन डायरेक्टर है तो इनके निर्देशक की यदि बात की जाए तो इनके निर्देशक का नाम है निखिल अडवाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी एयरलाइन उत्तरी ध्रुव से उड़ान भरने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बन गई है, तो हमारा आंसर रहेगा एयर इंडिया। एयर इंडिया की बोइंग 777 एयरक्राफ्ट ने हाल ही में उत्तरी ध्रुव के ऊपर से उड़ान भरी और उड़ान के साथ ही एयर इंडिया उत्तरी ध्रुव से उड़ान भरने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बन गई है और एयर इंडिया ध्रुवीय क्षेत्र के कमर्शल फ्लाइट उड़ान भर वाली पहली भारतीय एयरलाइन बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की वायुसेना, थल सेना और भारतीय नौसेना के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने के लिए किसने CDS के पद की घोषणा की है, तो हमारा आंसर रहेगा नरेंद्र मोदी। भारत की वायुसेना, थल सेना और भारतीय नौसेना के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने के लिए हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की घोषणा की है, जिसके लिए सुरक्षा विषय के जानकार पहले से ही मांग करते रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष तक देश के सभी घरों को पाइप के जरिए पानी पहुंचाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन की घोषणा की है, तो हमारा आंसर रहेगा 2024 तक। वर्ष 2024 तक भारत के सभी घरों को पाइपों के जरिए पानी पहुंचाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मोदी ने जल जीवन मिशन की घोषणा की है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने 3.5 लाख करोड़ रुपये खर्च करने की घोषणा की है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से जल संसाधनों के संरक्षण में योगदान देने के लिए आग्रह किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या सिन्हा का हाल ही में किस शहर में 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया, तो हमारा आंसर रहेगा मुंबई में। वे आखिरी बार बाजेवाल सीरियल में नजर आई थी, उनका जन्म 15 नवंबर 1947 को हुआ था। ये बॉडीगार्ड, छोटी सी बात, रजनीगंधा, पति पत्नी और वो फिल्म में ये काम कर चुकी थी। अब मुंबई हमारा आंसर था, तो मुंबई के बारे में जान लेते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है। और एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी कौन सी है, तो महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी कौन सी है? नागपुर। और नागपुर किस लिए फेमस है ये भी पूछा जाता है, तो ये नागपुर को संतरों का शहर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पूर्व ओपनर वीवी चंद्रशेखर का हाल ही में कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया, तो हमारा आंसर रहेगा 57 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने 1988 में 56 गेंद पर शतक बनाने का रिकॉर्ड बनाया था। उस वक्त यह शतक फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भारत की तरफ से लगाया गया सबसे तेज शतक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रवि शास्त्री को किस वर्ष तक टीम इंडिया का दूसरी बार मुख्य कोच नियुक्त किया गया है, तो हमारा आंसर रहेगा 2021 तक। कपिल देव की अगुवाई वाली क्रिकेट एडवाइजर काउंसिल ने हाल ही में रवि शास्त्री को वर्ष 2021 तक टीम इंडिया का दूसरी बार नियुक्त किया है। रवि शास्त्री वर्ष 2014-2016 तक टीम के डायरेक्टर रहे और उन्हें 2017 में टीम का कोच नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किस वर्ष से देशभक्ति का नया पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है, तो हमारा आंसर रहेगा 2020 तक नया पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों के मन में देश प्रेम पैदा करना व साथ ही सभी सरकारी स्कूलों में अभियान चलाने की घोषणा की है, जिसमें 6ठी से लेकर 9वीं कक्षा और 11वीं कक्षा के छात्र व छात्रा हिस्सा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने लोगों को समर्थ बनाने के लिए 16 राज्यों के साथ MOU साइन करके समर्थ योजना की शुरुआत की है, तो हमारा आंसर रहेगा केंद्र सरकार ने, जिसके माध्यम से देश के 18 राज्यों के करीब 4 लाख लोगों को वस्त्र उद्योग से जुड़े काम सिखाए जाएंगे और उन्हें इस कार्य में कुशल बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवार्ड समिति ने पैरा ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी दीपा मलिक को किस अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की है, तो हमारा आंसर रहेगा खेल रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की है। इन्होंने वर्ष 2016 में रियो में हुए पैरा ओलंपिक में शॉट पुट में सिल्वर मेडल जीता था और पिछले वर्ष एशियन पैरा गेम्स ब्रॉन्ज में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। उनके साथ बजरंग पुनिया को भी इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवार्ड समिति ने भारतीय क्रिकेट टीम के किस ऑलराउंडर को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की है, तो हमारा आंसर रहेगा रविंद्र जडेजा को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की है और इनके साथ साथ बैडमिंटन कोच विमल कुमार को द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित करने की भी घोषणा की है अवार्ड समिति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मनी में हुई जूनियर ट्रैक साइकिलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष टीम ने इतिहास रचते हुए कौन सा मेडल जीता है,
तो हमारा आंसर रहेगा गोल्ड मेडल जीता है। और विश्व स्तर पर साइकिलिंग में भारत का यह पहला मेडल है। इस समय भारतीय जूनियर टीम विश्व रैंकिंग में दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ई कॉमर्स कंपनी ने हाल ही में वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस लॉन्च की है। तो हमारा आंसर रहेगा फ्लिपकार्ट ने लॉन्च की है और अभी तक ये सिर्फ एंड्रॉयड यूजर्स के लिए वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस लॉन्च की गई है। फ्लिपकार्ट इस वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस के माध्यम से भारतीय बाजार में उपलब्ध अमेजन की प्राइम सब्सक्रिप्शन सर्विस को चुनौती देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 अगस्त को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो हमारा आंसर रहेगा 19 अगस्त को विश्व भर में विश्व फोटोग्राफी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस IIT सेंटर के अनुसंधानकर्ताओं ने कम लागत वाली ब्लड टेस्ट डिवाइस का विकास किया है। तो हमारा आंसर रहेगा IIT खड़गपुर ने इस डिवाइस का विकास किया है जिसमें पेपर स्ट्रिप आधारित किट है और यह स्मार्टफोन से जुड़ी होती है। यह ब्लड टेस्ट डिवाइस विश्लेषण कर उसे पढ़ने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्षद पांडुरंग ठाकुर को हाल ही में कितने वर्ष के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया है। तो हमारा आंसर रहेगा 5 वर्ष तक नियुक्त किया गया है। हमें पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण संस्थान की स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना हुई थी 1977 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसरो के चेयरमैन के सिवन को तमिलनाडु सरकार ने उनके योगदान के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो हमारा आंसर रहेगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पुरस्कार से सम्मानित किया है। यह पुरस्कार मानविकी, छात्र कल्याण और वैज्ञानिक विकास को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। अच्छा दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको इस वीडियो के माध्यम से अच्छी जानकारी मिल पाई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।